जब हर दिशा नजर आए अंधकार, जब आशाएं हो जाएं तार तार, जब जिंदगी ढूंढ रही हो आधार, तब चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार। ब्रह्मा कुमारीज आर्ट एंड कल्चरल विंग लाए हैं 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार। ओम शांति। आई हार्टली वेलकम यू ऑल टू दिस गोल्डन ब्यूटिफुल मॉर्निंग। विश्व रचयिता, परम कलाकार, परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति से इस ई कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, जिसका विषय है चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्ट। जब हर दिशा नजर आए अंधकार, जब आशाएं हो तार तार, जब जिंदगी ढूंढ रही हो आधार, तब चुनौतियों को सुअवसर में बदलता है कलाकार। अति हर्ष की बात है कि अरबों लोगों के जीवन में नए सपने जगाने वाले, खुशी देने वाले, उमंग उत्साह भरने वाले कलाकार आज इस ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी महान कलाकारों का और हमारे प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत दिल से शुभ स्वागत है, शत स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि आर्ट एंड कल्चर विंग की ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारीज के चीफ परमादरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी कर रही हैं। दिव्य अनुभूतियों और अनेक दिव्य कलाओं से संपन्न हैं दादी जी। दादी जी के सानिध्य में आने से हर जीवन कलाओं से संपन्न बनता है। आज हमारे बीच ई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए अपने अनमोल वचनों द्वारा हमें आशीष प्रदान करेंगी। उज्जवल व्यक्तित्व, अलौकिक आभा प्रसारित करती हुई हमारी प्यारी दादी जी। ओम शांति। हम सबके प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा और नई दुनिया के रचयिता प्यारे ब्रह्मा बाबा की प्यारी संतान, सभी कलाकार भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम सब सृष्टि मंच पर आत्मा रूपी कलाकार है। अपना शरीर रूपी वस्त्र पहनकर हम सब पाठ बजा रहे हैं, लेकिन उनमें भी आप विशेष कलाकार हैं जो आज की दुनिया में सब आपको देखना चाहते हैं और देखते भी हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं। आप जो करते हैं वही सब फॉलो भी करने लगे हैं। इसलिए आज के समय में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसा हम करेंगे हमें देखकर सभी करेंगे। आज संसार में सभी दुख, अशांति, चिंता और निराशा में है। उनमें आशा का संचार करने के लिए पहले आप कलाकारों को परमात्मा शिव से शक्ति लेकर स्वयं में अर्थात आत्मा में शक्ति भरनी होगी, और वह शक्ति आएंगी आध्यात्मिक ज्ञान से,
जो स्वयं परमपिता परमात्मा अब अवतरित होकर ब्रह्मा के मुख से सुना रहे हैं। इस संसार का कल्याण केवल एक परमात्मा ही कर सकते हैं और वह अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से हम अलौकिक भाई बहनों के द्वारा करा रहे भी हैं। हम सभी आपकी दैवी बहनें एवं भाई पूरे भारत सहित सारी दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बनाने की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी आत्माएं स्वयं में शक्ति भरकर दैवी गुण धारण कर रही हैं। हम आप सभी कलाकारों का स्वागत और आवाहन करते हैं, क्योंकि जब हम विपरीत वातावरण में परिस्थिति में शक्तिशाली बने रहेंगे तो ही हम औरों को शक्ति दे सकेंगे। हम सब जानते हैं कि आज जो भी सब समस्याएं हैं वह हमारे ही कमज़ोरियों के कारण हैं। इसलिए हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। कलाकारों की इस कॉन्फ्रेंस में सभी कलाकार ऐसा संकल्प करें कि हम हर रोज़ ईश्वरी ज्ञान और सहज राज्यों का अभ्यास करेंगे। सभी कलाकार समय निकालकर हर दिन मन में शुभ भावना शुभ कामना रखकर सभी को शांति की शक्ति का योगदान देंगे। इस सेवा से अपना कल्याण तो होगा ही, साथ ही साथ सारे संसार को आशा की किरणें मिलेंगी और नई दुनिया की सभी को झलक भी दिखाई देंगी। हमें उम्मीद है कि आप कलाकार मिलकर परमात्मा के विश्व नवनिर्माण के कार्य में पूर्ण सहयोगी बनेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्यार भरे हृदय से धन्यवाद परम आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का। आपके आशीर्वचनों से हम धन्य धन्य हो गए। कलाकार मानव जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जब कभी भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स या चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं तो ये कलाकार अपनी कला के माध्यम से हमारी मन की दिशा को बदल कर हमारे ध्यान को शिफ्ट कर हमें अच्छा महसूस कराते हैं, हमें लाइट फील कराते हैं, हमें खुशी देकर हमारा मोटिवेशन बढ़ाकर हमारे में उमंगे वापस भर देते हैं। आइए इस ई कॉन्फ्रेंस के गेस्ट स्पीकर्स का, आपका हम सबका शब्दों से स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी जी को। आप आर्ट एंड कल्चर विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। आप 5 दशकों से अपनी अमूल्य सेवाएं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दे रही हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने सराहनीय कार्य के लिए आपको बलराज सहानी राष्ट्रीय एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीदी जी से अनुरोध है आप शब्दों से स्वागत पुष्प बरसाएं। ओम शांति। मेरे
अति प्रिय कलाकार भाई बहनों का इस सम्मेलन में स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो कलाकार है वो अनेक चुनौती से गुजर रहा है, कई उसके जीवन में चुनौतियाँ आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर चुनौतियाँ नहीं आएगी कलाकारों के जीवन में तो वो कला भी निर्जीव हो जाएगी। कलाकार जो है, जो लगन वाला कलाकार होता है, वो कोई भी चुनौती से डरता नहीं है, चुनौती का सामना करता है। और हमारे जीवन में कला से रूप, रंग, सभ्यता, संस्कृति आती है। जिसके जीवन में ये चार चीज़ें आ जाए तो उसके साथ में अगर वो आध्यात्म को जोड़े तो और भी उसका जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग सिखाया जाता है, जो राजयोग से अने उन कलाकारों के जीवन में स्थिरता आती है, माइंड कंट्रोल होता है, उसके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की शक्तियाँ आती है, जिस कारण से वो अपने कला में और ही उस कला को उत्कर्ष उसका कर सकता है। इसीलिए कला उसके जीवन में होगी और उसके साथ में राजयोग का अभ्यास होगा तो और ही अपने जीवन के अंदर कलाओं में आगे चला जाएगा, आगे बढ़ेगा। इसीलिए जो भी हमारे जीवन में आज रूप, रंग, सभ्यता, संस्कृति है, उसके साथ अध्यात्म अगर रहेगा तो और ही हमारे जीवन की उन्नति होगी। और कलाकार आज के जीवन में समाज में बहुत जरूरी है, कलाकारों के सरक तब दिखते हैं। इसीलिए जो भी कलाकार है, उस कलाकारों ने अगर अपने जीवन में कला को अच्छी तरह से अपनाया है और कला को अगर पॉजिटिव रूप से प्रस्तुत करते हैं तो उसके आदर से उसके जीवन में अध्यात्म के साथ और आध्यात्मिक शक्तियों के साथ वो आगे बढ़ता है और जीवन में, समाज में अच्छा संदेश चला जाता है, मैसेज चला जाता है। इसीलिए कलाकारों की बहुत बड़ी भूमिका है समाज के अंदर। उसके कारण कलाकारों के ऊपर सबकी नज़र जाती है और कलाकारों को अपने जीवन में अगर वो कोई भी बातों में निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मायूसी आ गई है, तो ऐसी कलाकारों की जो भी रचना है या उनकी चुनौतियाँ है वो उनको संभालना पड़ती है। लेकिन ऐसे जीवन के अंदर रहते हुए भी अगर वो अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास करते हैं और उसके द्वारा उनके जीवन में कई गुण आ जाते हैं, जैसे निर्माणता है, सभ्यता है, और ये सारे गुण मेडिटेशन करने से आते हैं। इसीलिए मेरी एक ही आशा है और शुभेच्छा है कि आप सभी जहाँ भी रहते हो वहाँ सेंटर पर जाकर राजयोग सीखिए, राजयोग का अभ्यास करिए, तो ज़रूर आप अपने जीवन में सभ्यता को और रूप रंग को निर्माण कर सकेंगे और आध्यात्मिक क्षेत्र की चुनौतियाँ दे सकेंगे। इसीलिए जो भी आज का कलाकार है, जो भी जहाँ भी स्थिति में है, लेकिन आज का कलाकार समाज के लिए बहुत बड़ा आदर्श है और वो उनको ही सब देखना चाहते हैं। इसीलिए अगर कलाकार अपने जीवन में श्रेष्ठ बन जाए, गुणवान बन जाए, तो अपनी कला को और ही अच्छे तरह से प्रस्तुत कर सकता है। तो आज मेरी यही शुभ आशा है, यही शुभकामना है कि आप सभी इस सम्मेलन में आए हो तो यहाँ से राजयोग का अभ्यास जरूर सीख करके जाएंगे और अपने जीवन में सभी शक्तियों को अपनाएंगे तो आप अपनी कला में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए आप सभी के प्रति मेरी बहुत 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 शुभकामनाएँ हैं। फिर से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। ओम शांति। स्नेह पुष्पों से सबका स्वागत करने के लिए तह दिल से शुक्रिया आदरणीय कुसुम दीदी जी का। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हैव विथ अस ए टैलेंटेड सिंगर, परफॉर्मर एंड अ सॉन्ग राइटर।
Mr. Harish Moyal from Mumbai, who has won the IMA Award in 2011 for his Sufi song Mere Saiya. He is one of the top finalists of Indian Idol Season 1. Now he will sing a motivational song. Om Shanti. ये बहुत खास गाना है जो कि मैंने खास आज आपके लिए चुना है. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. बाबा ने भी यही ज्ञान हमें सबको बताया है कि हमें अच्छे कर्म करना है ताकि ये जो हमारा जन्म है ये सफल हो जाए और हम सभी एक अच्छी दुनिया में जाएं. तो ये गाना आपके लिए. सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. सृष्टि कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन. यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे. मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा. जब अंतर में शुभ भावना तो मन में सुख सावन जैसा. हार कर जो ना हारे, जीत उसी के होती है. घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है. जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे. जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे. श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन. यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे. जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे. Special thanks to Brother Harish Moyal for magnificent performance. Challenges को opportunities में convert कैसे करें, अर्थात चुनौतियों को सुअवसर में कैसे बदलें, इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में स्थित ज्ञान सरोवर कैंपस से. हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय पी के दयाल भाई जी. आप आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और पिछले 30 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. दयाल भाई जी से मैं अनुरोध करती हूं कि हमें कॉन्फ्रेंस के सब्जेक्ट की गहराई में ले जाएं. ओम शांति. सभी श्रोतागण भाई बहनों को
वेलकम, स्वागत है। आज हम इस बात की चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि ये जो समय चल रहा है ये सचमुच कई लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट समय रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी कुछ लोगों ने अपना नया रास्ता निकाला है और इस सिचुएशन से घबरा कर हताश होने के बजाय उन्होंने हिम्मत से आगे कदम बढ़ाया है और बहुत कुछ नया करके खुश है। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का इस कॉन्फ्रेंस का, कि विपरीत परिस्थितियां हो, प्रॉब्लम्स हो, ये तो हमारे जीवन में आने ही है, हम लोग देखते आए हैं बचपन से। तो समय हमेशा एक समान नहीं रहा है, तो क्यों ना हम खासकर कलाकार, क्यों मैं कलाकार कह रहा हूं, क्योंकि कलाकार एक विशेष आत्माएं होती है, उनमें एक ऐसे विशेष गुण होते हैं जो अलग अलग प्रकार के स्वांग रच के या अलग अलग प्रकार के अभिनय करके लोगों को एंटरटेन तो करते ही हैं, लेकिन ये वो जान लेते हैं कि असलियत क्या है और वो जो स्वांग रचते हैं टेम्पररीली कुछ समय के लिए वो उस अडॉप्टेड कैरेक्टर के एम्बॉडीमेंट बन जाते हैं, इतना एक्यूरेट एक्टिंग करते हैं कि लगता है कि हाँ ये वही है जो वो एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो स्पेशल गुण है संगीत में भी आप देखिए कितनी क्षमता है, प्रकृति को बदल देती है। तो ये जो बदलने का, चेंज करने का जो अभ्यास है वो कलाकारों को नेचुरली है। तो हम अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से हम अपने आप को चेंज करें कि वी आर रेडी फॉर एनी चेंज एनी टाइम। कभी भी किसी भी परिस्थिति को हम फेस करने के लिए, किसी भी चैलेंज आया हमारे पास में, चैलेंज ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जब स्कूल कॉलेजों में थे, खासकर स्कूलों में जाता, तो हम लोग जब फ्रेंड के साथ में खेलते हैं तो हम कहते हैं कि चलिए तू करके बता, चल चल तू नहीं कर सकता, अरे क्या बात कर रहा, मैं करके बताता हूं। तो वो जो हमारे में आती है चैलेंज, मैं करके बताता हूं, और फिर हम उसके लिए एफर्ट करते हैं और हम उसको कुछ हद तक कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन ये जो फीलिंग हमारे में आनी चाहिए, तो सिचुएशन जो हमारे पास में आई है, मान लो अभी धन की सिचुएशन है कई लोगों को कि उनका धन खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, उसको हम चैलेंज के रूप में ले, अच्छा कम हो गया है, हम दूसरे तरीके से कमा लेंगे, हम ये कर लेंगे, ठीक है ये हमारा ओरिजिनल प्रोफेशन था, है भी, लेकिन अभी पर्टिकुलरली कुछ समय के लिए हम कुछ और कर लेते हैं। तो ये जो परिवर्तन अडॉप्ट कर लेना सिचुएशन को, ये चीज हम कलाकारों में है और हम लोगों को ये डेवलप करना बहुत आसान है, सिर्फ हमें इस बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें, यानी ये हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ये हमको एक समझो समय मिला है कि हम अपनी क्षमता को बढ़ाएं और अनेक प्रकार के इस प्रकार के चैलेंजेस हमारे जीवन में जो भी आते हैं आते रहेंगे, किसी को तनख्वाह है, किसी को बीमारियां हैं, किसी को कुछ है, किसी को संबंध से है, तो जो भी है हमारा लक्ष्य हर कलाकार का ये होना चाहिए, है भी बहुतों का, कि हम किसी भी परिस्थिति में थोड़े भी हम विचलित ना हो, लेकिन हम अपने आप को अलग तरीके से ढालते चले जाएं, अलग उसकी युक्तियां निकालते चले जाएं और अपने आप को हर कंडीशन में हम हैप्पी रखें। सबसे पहले हम हैप्पी रखें, हम खुद को हैप्पी रखें। ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग
फिल्मों में या नाटकों में इस प्रकार से एक्ट करते हैं कि लोग हंसते हैं, लोग खुश होते हैं, लेकिन उनके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो बहुत सैड रहते हैं या चिंतित रहते हैं। नहीं, ये लाइफ का तरीका नहीं है। हम कभी भी देखते हैं, हम पहले अपने आप को खुश रखें तो हमारे हर कर्म से खुशी अपने आप ही निकलेगी। तो ये एक छोटा सा संदेश है और यही इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य है। तो जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, मैं सब इनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करें हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे इनर थॉट्स के ऊपर, और हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो रूटीन है लाइफ की, वो इस तरीके की हो कि हर व्यक्ति जो है वो जितनी उसमें शक्ति है उतना तो वो करता है, लेकिन कभी कभी वो शक्ति कम पड़ जाती है। तो हमको वो शक्ति कहाँ से अडॉप्ट करना और कहाँ से वो शक्ति हम हमारे शक्ति को बढ़ावे, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, या जिसको अभी बहुत ये वर्ड प्रचलित हो गया है योग। तो योग किससे? परमात्मा से योग, सर्वशक्तिवान से योग। उससे कनेक्शन होते ही हमारे कर्मों में और हमारे व्यवहार में बहुत फर्क आता है, और वही एक परमानेंट साधन है हमारा हमेशा के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस बात को जरूर समझे होंगे, और इसको सिर्फ समझना ही नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल में लाना है, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा हमें पता नहीं। तो हमें अभी से ही इन सारे बातों को प्रैक्टिकल में लाना है। वी शुड बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ चेंज एनी टाइम। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बीके दयाल भाई जी का। अपने गहरे अनुभवों के साथ हमें आज के विषय का स्पष्टीकरण देने के लिए हमें खुशी है कि कोलकाता से मीठी धुन की कला की विशेषता के साथ भ्राता बी के शोभन घोष हमारे साथ हैं। आप एक बेहतरीन म्यूजिक प्लेयर हैं। 50 वर्षों से ज्यादा समय से आप ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और अनेक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सफलतापूर्वक अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साथ ही साथ आपने ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो और अनेक डिवाइन चैनल्स के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम्स परफॉर्म किए हैं। आप पिछले 5 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आइए सुनते हैं शोभन भाई का मेलोडियस सॉन्ग।
बहुत बहुत शुक्रिया शोभन भाई का। कलाकार अपने जीवन को बेहतर बनाए और अपनी कला से सबके जीवन को बेहतर बनाए, इसी लक्ष्य से ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। हमारे नेक्स्ट स्पीकर माउंट आबू हेडक्वार्टर से जुड़ रहे हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार सतीश भाई जी, आर्ट एंड कल्चर विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप 50 वर्षों से अपने पूरे परिवार के साथ संस्थान से जुड़े हैं और आप पिछले 4 दशकों से अपने आप को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया है। आप एक अच्छे गीतकार हैं, गायक हैं और कवि हैं। आपने करीब 3000 गाने लिखे हैं और 300 गाने रिकॉर्ड किए हैं। आइए अब सुनते हैं ऐसे विशेष रूहानी कलाकार से। ओम शांति। चुनौतियां और संघर्ष जीवन के अभिन्न अंग हैं। विघ्नों से मुक्त संसार में कोई मार्ग नहीं। जो इन चुनौतियों को क्रॉस करता है, इन परिस्थितियों को पार करता है, वही मंजिल को प्राप्त कर पाता है। जितने भी महान आत्माओं की, महान लोगों की जीवन गाथा है, वो संघर्षों से परिपूर्ण है। हम सब कोरोना काल में देखे कितने परिवार टूटे, कितने तबाह हो गए, कितनी विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन इनमें भी किसी ने परिस्थितियों के आगे अपने घुटने टेक दिए, लेकिन जिन्होंने परिस्थितियों को और संघर्षों को, चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार किया, वही उस मंजिल पे पहुंच सका है। हम सब जानते हैं, हो तिमिर कितना भी गहरा, हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर कितना पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। इन्हीं परिस्थितियों से, इन्हीं स्थितियों से गुजरकर कोई आगे बढ़ सकता है। और इन दिनों में कलाकारों ने जो उमंग भरे, जो जोश भरे, जो सब में लगन भरी, इन स्थितियों से क्रॉस होने के लिए जो सब में मादा तैयार की, जज्बा तैयार किया, काबिले तारीफ। लेकिन सवाल तो ये होता है कि जब कलाकार जो दूसरों को आशावान बनाने वाला है, दूसरों में उमंग भरने वाला है, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाला है, यदि वो ही परिस्थितियों और मुश्किलों से घिरा हो और उसमें हार मान बैठे, तो कौन आगे बढ़ेगा, कौन जगाएगा? इसलिए कलाकारों, आप सबके लिए विशेष एक कॉन्फ्रेंस रखी है। इस कॉन्फ्रेंस का विषय ही है चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार। आप सब आएं और चुनौतियों को, संघर्षों को आगे बढ़ने के लिए, इनसे क्रॉस होने के लिए उस परमात्मा से शक्ति लें। राजयोग का अभ्यास करेंगे, निःसंदेह आपको आशा की किरण नजर आएगी। और तब आप जरूर कहिए कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। बहुत बहुत विशेष शुक्रिया आदरणीय सतीश भाई जी का। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव सिस्टर मधु फ्रॉम मुंबई विद अस। मधु शाह इज एन वेल नोन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, known for her work predominantly in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam films. She is best remembered for her portrayals in Hindi hit movie Phool aur Kaante and Tamil hit movie Rosa. She is the host of the well-known music television series Rangoli on DD National Channel. Let's listen to her. Let's move and help each other, help yourself, and that's what I have to say. All I can say is prayer is the way forward and self-help is the way forward, because through that, through what you are, what you can achieve,
by in yourself is what you're going to spread. So let's make the change. Let's start here. Let's start here and let's spread it there. Namaste. Special thank you, Sister Madhusha, for your sweet gesture. अब प्रेरणादायक संदेश देने के लिए हमसे रूबरू हो रही हैं मुंबई से सीनियर राजयोग मेडिटेशन टीचर बीके नेहा बहन। आप 3 दशकों से ब्रह्मा कुमारीज में अपनी अथक सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के मुंबई गाम देवी सब जोन की डायरेक्टर हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट एंड कल्चर विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपसे अनुरोध है कि आज के विषय पर हमें रूहानी प्रज्ञा दें। ओम शांति। आर्ट एंड कल्चर विंग माउंट आबू की तरफ से आप सभी कलाकार भाई बहनों का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सब देख रहे हैं कि आज चारों ओर विश्व में जो भय का, जो चुनौती भरा वातावरण फैलता जा रहा है, जिसके अंदर इंसान के भीतर एक छुपा हुआ भय, डर कुछ हो न जाए, ये तनाव इतना बढ़ता जा रहा है। अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा, बस इसी दबाव के अंदर आज व्यक्ति कोई राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे समय पर चाहिए कि समाज के हर व्यक्ति के अंदर हिम्मत, उमंग, उल्लास और हौसला बढ़ाया जाए। लेकिन ये कार्य कौन कर सकता है? सबसे बड़ा रोल आप सभी कलाकार भाई बहनों का है, क्योंकि प्रभु पिता ने आप सभी को एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा कला दी है, शक्तियां दी है, जिस शक्ति के द्वारा आप अपनी कला को समाज के द्वारा, समाज के सामने पेश करते हो, जिसका सीधा प्रभाव समाज के निर्माण पर पड़ता है। क्योंकि आज भी देखो, बाहर तो कोई ज्यादा नहीं निकलता है, लेकिन हाँ, मीडिया हर व्यक्ति के जीवन में बड़ा रोल बजाती है। और वो मीडिया, चाहे वो टेलीफोन के हिसाब से, चाहे थिएटर छोटे या बड़े स्क्रीन से, कलाकार की कला आज भी व्यक्ति के मानसिक समाज का निर्माण करती है। तो क्या करना पड़ेगा कलाकार को इस चुनौती भरे समय में? स्वयं को इतना एम्पावर करना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाए, ताकि आपकी कला के द्वारा समाज के अंदर फिर से वो हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े। तो हम तो ये कहेंगे, आप सब समाज के निर्माण के आधार स्तंभ हो। लेकिन आधार स्तंभ अगर हिला तो पूरी समाज की बिल्डिंग हिलने लगेगी। तो आज हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं ये भय के वातावरण ने हमारे कलाकार भाई बहनों के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। ऐसे समय पर हमें जागरूक होना है। सभी कलाकारों को अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है, एक बहुत सूक्ष्म सिद्धांत हमें मन में रखना है। बाह्य जगत में जो कुछ हो रहा है, उसमें भी कोई एक हिडन सीक्रेट है, कुछ ना कुछ भला समाया हुआ है। आज कई लोग हमें कहते हैं कि हम क्या करेंगे, बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हमारी शक्तियां कैसे डेवलप होगी।
हम घर ही घर में चार दीवारों में तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं। ये समय है हम भल घर के अंदर रहे, ये समय है अपने भीतरी जगत को जानने का। देखो हम सब बाह्य जगत को जानते हैं, है ना? सत्यता ये है कि बाह्य जगत से कई गुना शक्तिशाली हमारे भीतर का जगत है, जहां पर जाने का हमें समय ही नहीं मिलता था क्योंकि हम बिजी थे। तो अब समय मिला है, गो विद इन योर सेल्फ। हर व्यक्ति के भीतर एक सुंदर अपनी अंदर की दुनिया है जिसको इनर वर्ल्ड कहा जाता है, जहां मेरे थॉट्स, जहां मेरी फीलिंग्स, जहां मेरे इमोशंस हैं। और सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये है, जो व्यक्ति अपने इनर वर्ल्ड को मैनेज करना जान लेता है, उसका आउटर वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड अपने आप मैनेज हो जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है हर एक को, और खास कलाकार भाई बहनों को। अपने भीतर जाना है, एकांत में जाना है। स्पिरिचुअलिटी यही तो कहती है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू नो माई सेल्फ, टू नो माई ओरिजिनल क्वालिटीज, माई हिडन पावर्स। अपने भीतर जाए, एकांत में बैठे, अपने से बातें करें, मैं कौन। जैसे वहां कला में आप स्टेज पर एज एन एक्टर पार्ट प्ले करते हो, लेकिन दुनिया में हम सब इंडिविजुअल एक एक्टर है। भीतर जाए, अपने आप को देखे, ये शरीर मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, मेरा ड्रेस है, लेकिन मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, सो जिसके भीतर अनेक शक्तियां भरी हुई है। जस्ट गो विद इन योर सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ। एक मिनट के लिए प्रैक्टिस करें, सी योर सेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी, गो विद इन योर सेल्फ, फील योर सेल्फ। आई एम पीसफुल, पावरफुल सोल, एनर्जी। आई एम फुल ऑफ पावर्स। अपने आप को चार्ज करें। जैसे ही आप अपने भीतर जाएंगे, इनर वर्ल्ड में जाएंगे, अंदर की 90% पावर्स जो अब तक हिडन है, धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अपने आप को पहले चार्ज करें, फिर सुप्रीम पावर हाउस, परमात्मा, ईश्वर, गॉड फादर, शिव पिता, वो भी एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ लाइट, उसको विजुलाइज करें, मन से उससे कनेक्ट हो जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने मन से उस पावर हाउस से कनेक्ट होना, अर्थात वो पूरी एनर्जी को अपने अंदर लेना और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना, जिसको यहाँ पर मेडिटेशन कहा जाता है। हमेशा याद रखें, ये समय मिला है अपने भीतर जाकर अपनी ये हिडन पावर्स को जागृत करना है। तो सोचो, ये गोल्डन चांस है हर एक कलाकार को अपने आप को अच्छी तरह जानकर फुल चार्ज करना है। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं ना, पावर बैंक साथ साथ होती है या पावर हाउस से, हमारी आत्मा रूपी बैटरी का चार्जर है सुप्रीम पावर परमात्मा। थोड़ा थोड़ा समय अपने भीतर जाए, उसको याद करें, उससे बातें करें,
आप फील करेंगे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर आ जाएगी जो रिफ्लेक्ट होगी आपकी कलाओं में, और वो कला के द्वारा वो पॉजिटिविटी, वो करेज समाज में फैलेगी और समाज पावरफुल होगा। तो जो आज नेगेटिविटी फैल रही है, आज हताशा फैल रही है, यहाँ तक कि जीवन को समाप्त करने तक इंसान चला जाता है, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए वर्तमान इन चैलेंजिंग टाइम में आप सभी कलाकारों का अहम रोल है, और कला संस्कृति भी जो आबू से कार्य करती है पूरे इंडिया में फैली हुई है। हम बॉम्बे से हैं, आज बॉम्बे में भी हमारे 100 जितने सेंटर्स हैं, जहां हम डेडिकेटेड सिस्टर्स फुल टाइम ये स्पिरिचुअल सेवा में हाजिर हैं। ऐसे ऐसे डिस्कोर्सेस, काउंसलिंग, मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हर सेंटर पे सिखाया जाता है, और अपनी कलाहीन संस्कृति प्रभाग में तो कितने कलाकार जुड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन को इतना पावरफुल एम्पावर कर दिया है। तो हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि जीवन को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाओ, और अगर कभी कभी कोई ऐसी निराशा की झलक आ जाए, आपको कोई भी जरूरत हो, तो हम सदा ही ये सेवा पर उपस्थित हैं। तो आशा रखते हैं कि आप सभी ऐसे अपने आप को पॉजिटिव बना दें, क्योंकि हमारा जीवन हमारे थॉट्स का ही रिजल्ट है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हमारे एक एक थॉट से हमारी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिविटी से हमारे थॉट्स की स्पीड कम होती है, एनर्जी बढ़ती है। सुबह उठते ही अपने मन को कोई भी कारोबार में ले जाए बिगर पॉजिटिविटी दे, मेडिटेशन करें, कुछ अच्छी बातें सुने, सत्संग सुने, तो माइंड एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, मॉर्निंग में एब्जॉर्ब कर लेगा, पर सारे दिन के कार्य अच्छे होंगे। बीच बीच में भी अपने आप को चार्ज करें और ये पॉजिटिविटी को अपने जीवन का अंग बनाए, तो यही आर्ट एंड कल्चर विंग का कार्य है, और आप सभी का सहयोग हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर अगर ये कार्य उठा लें अपने आप को एम्पावर करने का, हिम्मतवान बनाने का, पॉजिटिव बनाने का, तो पूरा समाज एम्पावर हो जाएगा। यही हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। शांति। दिल से धन्यवाद नेहा बहन का, अपने प्रेरक शब्दों से सब में उमंग उत्साह भरने के लिए। अब हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं भ्राता विजय राम कदम जी। आप संगीतकार एवं गायक हैं। आप सुप्रसिद्ध संगीतकार आदरणीय राम कदम जी के सुपुत्र हैं। आपने 500 से अधिक संगीत के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दी है। संगीत की सेवा के लिए आप ज्येष्ठ पार्श्व गायक जयंती कुलकर्णी स्मृति पुरस्कार और विविध पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आइए सुनते हैं विजय जी की प्रस्तुति ओम ध्वनि।
इस सुंदर प्रस्तुति से हमें मंत्रमुग्ध करने के लिए विजय कदम जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस ई कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हैं। अब भारत की राजधानी दिल्ली से बी के पूनम दीदी जुड़ रही हैं। पूनम दीदी सीनियर राजयोगा टीचर हैं। दिल्ली शालीमार बाग स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर की आप संचालिका हैं, साथ ही साथ आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत या आर्ट एंड कल्चर विंग की कोऑर्डिनेटर हैं। आप बाल्यकाल में ही संस्थान के संपर्क में आए, समाज में आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए आपने अपनी एकेडमिक स्टडीज कंप्लीट होने के पश्चात अब 4 दशकों से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। आइए उनकी मधुर वाणी से लाभ लेते हैं। ओम शांति। ई कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी कलाकारों से आज के विषय की परिस्थितियां कलाकारों के लिए एक अवसर है, चुनौतियां कलाकारों के लिए एक अवसर है। अगर इस बात को आज हम स्वीकार कर लेते हैं तो सचमुच वर्तमान समय जो परिस्थितियां प्रकृति के कारण सारे विश्व में छाई हुई है, जिसके कारण से जन जन का जीवन प्रभावित हो रहा है और विशेष करके कलाकारों को, तो ऐसे समय पर अगर परिस्थितियों को के द्वारा पैदा हुई चुनौतियों को स्वीकार करके और उसको एक अपने जीवन की उन्नति का साधन समझे, एक अवसर समझे, तो उनके जीवन के अंदर उनकी कला में और भी निखार आ सकता है। किस प्रकार से? क्योंकि परिस्थिति का जो असर है वो हमारी स्वयं की स्थिति पर पड़ता है। परिस्थिति पर प्लस स्थिति जो दूसरों के द्वारा आई, उसका असर हमारी स्थिति को डगमग कर देता है, डामाडोल कर देता है, कमजोर कर देता है और आगे जीने की इच्छा तक भी खत्म कर देता है। तो जो पर स्थिति है वो चाहे हमारे स्वयं के तन के कारण से, बीमारियों के कारण से पैदा हुई, या मन के कमजोर विचारों से पैदा हुई, या धन की कमी से पैदा हुई, या समाज के व्यवहार के कारण से पैदा हुई, या आज विश्वव्यापी जो कोविड की, कोरोना की स्थिति बनी हुई है उसके कारण पैदा हो रही है, लेकिन वो हमारे मन को कमजोर कर रही है, हमारे विचारों के अंदर व्यर्थता पैदा कर रही हैं, अशुद्धता पैदा कर रही हैं, हमें नर्वस कर रही हैं, हमारे मूड को ऑफ कर रही हैं, हमारे मन को कमजोर कर रही हैं। तो ऐसे समय पर आवश्यकता है स्वयं के विश्वास को जागृत करने की, और वो जागृति ऊंचे श्रेष्ठ विचारों के द्वारा ही पैदा हो सकती है। क्योंकि हमारे मन में जहां पर कमजोर विचार, वेस्ट थॉट, इम्प्योर थॉट, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, अगर उसको हम परिवर्तन कर देते हैं प्योर पावरफुल पॉजिटिव थॉट में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है, मन का विश्वास बढ़ जाता है। तो एक तो स्वयं के मन के विश्वास के द्वारा परिस्थितियों के कारण से जो समस्याएं आ रही हैं, जो विघ्न आ रहे हैं, उस पर हम विजयी हो सकते हैं, और दूसरा प्रभु मेरे साथ है, उसके विश्वास का सहारा लेकर के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक पत्थर पर कितनी असंख्य चोटें पड़ती हैं हथौड़े से, और तब जाकर के वो एक मूर्ति का रूप ले पाता है, और तब वो मूर्ति मंदिर में
पूजा के स्थान पर रखी जाती है। इसी तरह से अगर हम एक जिराफ का भी उदाहरण ले तो जिराफ का जब बच्चा पैदा होता है तो जो जिराफ की माँ है वो उसको जोर की लात मारती है तो वो बच्चा भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, डर जाता है, लेकिन उसकी माता उसको लात मारती रहती है तब तक जब तक कि वो उठ करके भागने नहीं लगता है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि अगर इसने भागना दौड़ना नहीं सीखा तो हिंसक जानवर इसको खा जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान समय कोरोना के कारण से जो डर गए, जो निराश हो गए, जिन्होंने हिम्मत हार ली तो वो मृत्यु के भी शिकार हो गए, लेकिन जिन्होंने हिम्मत रखी, प्रभु पर विश्वास रखा, अपने पर विश्वास रखा, औरों से दुआएं ली, उन्होंने इस परिस्थिति पर विजय प्राप्त की और जिंदगी ने उनको अवसर दिया कि वो और भी सुंदर जीवन अपना जी सकते हैं। तो जो परिस्थितियों के द्वारा मेहनत करने पर, हिम्मत रखने पर, सुअवसर के रूप में जब वो बदलते जाते हैं तो उससे हमारी योग्यता भी बढ़ती है, हमारी काबिलियत भी बढ़ती है, क्योंकि हमारी योग्यताओं की परीक्षा की कसौटी ही ये परिस्थितियां ही हैं। तो वास्तव में जो परिस्थितियां हैं वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें एक सुअवसर प्रदान करती हैं कि हम उनसे डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन उनका सामना करें, अपने अंदर विश्वास जागृत करें। लेकिन ये सब होगा कैसे, सवाल यहां पर आता है। तो इसका जवाब है मेडिटेशन। वर्तमान समय हरेक कलाकार को मेडिटेशन की आवश्यकता है। यूं तो अनेकानेक मेडिटेशन आज हैं और हरेक कोई ना कोई मेडिटेशन के सहारे अपने जीवन को लाइट करके चल ही रहा है, लेकिन अगर हम एक्यूरेट करते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ वर्तमान समय बन सकता है, क्योंकि जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सहज राजयोग का अभ्यास कराया जाता है उसमें हम स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं को जान जाते हैं कि मैं प्योर एनर्जी का पॉइंट हूं, मैं चेतन शक्ति आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं चाहूं तो अपने विचारों के द्वारा, अपनी स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा परिस्थितियों को बदल सकती हूं, और साथ साथ परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखते हुए कि वो मेरे संग संग है, वो मेरा साथ दे रहे हैं, वो मेरे सहायक हैं, जिन्हें मैं माता पिता बंधु स्वामी सखा कहकर के पुकारती आई पुकारता आया, वो प्रभु मेरे साथ है। तो उस साथी का सहयोग लेकर के, उस परम कलाकार का सहयोग लेकर के हम कलाकार अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों पर विजयी होकर के, अनुभवी बनकर के, औरों के जीवन के अंदर भी हम एक उमंग उत्साह अपनी कलाओं के द्वारा पैदा कर सकते हैं। चाहे कोई संगीतकार हो, चाहे कोई पेंटिंग करने वाला हो, चाहे कोई मंच पर नाटक करने वाला हो, चाहे मंच पर सामने हो या पीछे हो, लेकिन कला के क्षेत्र के सभी कलाकार को ये अवसर है कि वो मेडिटेशन के द्वारा अपनी इनर पावर को जागृत करें, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपनी कलाओं में श्रेष्ठता लाकर के समाज को, संसार को सुख दें।
उनके अंदर एक बल भरे, उनके अंदर एक ताकत भरे कि परिस्थिति कुछ नहीं है लेकिन स्वस्थिति मजबूत है, तो हम मजबूर नहीं लेकिन मजबूत होकर के जीवन में आई हुई परिस्थितियों का सामना करते हुए चुनौती ना समझ करके उसको एक अवसर मान करके अपनी जीवन में उन्नति का साधन मान करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो सभी कलाकारों के लिए मेरे मन में आज यही शुभ भावना है, शुभकामना है कि आप वर्तमान की कठिन परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से घबराए नहीं लेकिन अपने आत्मविश्वास को जागृत करते हुए परमात्मा का सहारा लेते हुए कला के क्षेत्र में आप उन्नति करते हुए अपनी कला को अमर बनाएं। ओम शांति। अंतर्मन से धन्यवाद पूनम दीदी का। अब बेंगलुरु से जुड़ रही हैं यंग एंड पैशनेट कथक क्लासिकल डांसर सिस्टर पूजा आर्या। आप एक एक्टिव सोशल वॉलंटियर हैं और वर्तमान में आप बच्चों को नृत्य की कला सिखाती हैं। सिस्टर पूजा ने ब्रह्मा कुमारीज के काफी कल्चरल इवेंट्स में परफॉर्म किया है। शी फर्मली बिलीव्स दैट डांस इज हर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द ब्यूटी एंड जॉय ऑफ लाइफ। वेलकमिंग पूजा आर्या। भावन नृत्य कला प्रस्तुति के लिए पूजा बहन का विशेष धन्यवाद। वी आर ऑनर्ड दैट रिनाउंड मैजिशियन, परफॉर्मर, इनोवेटर, क्रिएटर एंड मेंटर एसपी नागेंद्र प्रसाद इज जॉइनिंग अस फ्रॉम बेंगलुरु। ही हैज वन मेनी प्रेस्टीजियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स। Popularly known as PC Sorkar of Karnataka, SP Nagendra Prasad is a man with a mission, incorporating social issues with the help of magic. He tries to put across to the audience the message
of a cleaner and greener Bangalore. A man with a true vision. A vision for a better tomorrow and a better India. Magician Nagendra Prasad feels he has a lot to contribute to society. Now, I request Mr. Nagendra ji to magically present his amazing show. Om Shanti. I am magician Nagendra Prasad, Jadugar Nagendra Prasad, from Bangalore, Karnataka, India. I am performing since just 38 years. I am the fourth generation in our family of magicians. See, in this world, all human beings made of three virtues: Sattvika, Rajasika, and Tamasika. See, these colors represent each virtues. Okay, this is one, and this is two, and three. Now, I am joining these three because no one has only one guna, like Sattvika, Rajoguna, or Tamoguna, made of all three package. How? See here, this three, I joined it with the help of one knot. Now what happens? Please watch. 1, 2, 3. Ready? Please watch. 1, 2, 3. In our India, mainly three religions: Hindu, Muslim, and Christians. We people think with the ignorance, all different, we are all different. No, it is not like that. See, I am joining these two. Okay? And this side also, I am joining these two religions. What happened? Now, all three religions, it became one with the help of two knots. But what is this knot? Obstacles. That is our ignorance. We need to remove all this ignorance. You know how to remove? Just like this, rotate and keep that knot inside your fist, and then again that knot also, you keep it in your fist, and love and affection, magic wand, here, love and affection, magic wand, take and give one touch. What happens? Naturally, all the three religions, that will become one. We are all one God's children. See, always people, they are easily fall into bad habits. They will start with small quantity or one. Next day, they go with same quantity, but they don't get pleasure. What happens? They will increase for double dose. That is like this. See, 1 to 2. So, other next day, same problem. They don't get pleasure in two. So, they will increase for one more. So, these bad habits keep on increasing like this. Right? So, what you have to do? You need to do satsanga. Satsanga and meditation, and make up your mind that you are going to leave this bad habit. Definitely you can. See? Like this. This magic happens if you join our Brahma Kumari Samaja. So, you can eradicate this problem. Every human being has got five vices: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Ahankara. These are Ravana's vices. So, we can't remove everything at a time. We will see. Just we will take it out three at least. See, 1, 2, and 3. Still we have 1, 2, 3, 4, 5 only. So, just like Ravana's head, when Rama is cutting, again it is appearing. Just like this again, see, 1, 2, and 3. Again, 1, 2, 3, 4, 5. It won't go. So, how it will go? Okay, we'll do once again. See, 1,
2 and 3. Again, 1, 2, 3, 4, 5. So, how to eradicate in our Brahma Kumaris, Raja Yoga, it makes everything clear. There is one small clarification. Okay. I want. So, here you see, you can see Ravana here. Yes. Is it possible to change as Krishna? Definitely. Please. Okay. See here, I have a bag. See, empty bag. Just put it inside this. Okay. Yes. Just do like this. Okay. Please watch what happens. See? Wow. Very nice. See? Really. Became a Krishna. Really, really. See, I have something from nothing. So, this is empty. This is empty. Empty. I keep it like this. And again, I will show this. These are empty. So, you ask me what you want. So, I heard that you are a great, great, great jadugar, magician. So, I will ask some images, or can you show me? Definitely. So, show me our Prajapita Brahma Baba. Prajapita Brahma Baba? Yes. Is this? Wow, yes. Wow. Nice. Exactly. Exactly. Okay. Yes. I keep it here. Huh. Next. So, can you show me Sri Lakshmi Sri Narayan? Sri Lakshmi Narayan? Yes. Yes. See? Yes. Exactly. Very right. Super. Correct. Okay. And can you show me at a time Brahma Baba and Jagadamba Saraswati? Okay. Is this? Yes, sir. Perfectly. Yes. Correct. Next, this is a difficult one. Okay. Please think over once again. Okay. Can you show me God Shiva with his attributes? Is this? Yes, sir. Very nice. Really, you are a great jadugar. No, he is real great magician. Right. He is a magician of all magicians. Right. Thank you very much, sir. Thank you very much. Yes, sir. God bless you. Yeah. Sir, can you show God Shiva, father of all souls? Okay. Now, please watch. Abracadabra, hocus pocus. Please watch. Is this? Beautiful. Beautiful. Okay. Can you show heaven? Heaven? Yeah. You want heaven? Yes. Please watch now. See? Wonderful. Beautiful. Okay. Next, what do you want? Can you show our three beloved dadis? Okay. Excellent. Very good. Anything else? Can you show our dadi Janaki ji with Godfather Shiva? Oh, yes. Please watch. Very good, sir. Excellent. Thank you. Good. Start, sir. Sir,
बिफोर कमिंग टू अवर इंस्टीट्यूशन पीपल विल बी एम्प्टी माइंडेड. यस, यू अग्री विथ मी? या डेफिनेटली. लाइक नेगेटिविटी. या नेगेटिविटी विल बी देयर. What they get? They are blank in their mind. Definitely, just like this. Yes. Pages. You are correct. Blank. Yes. When they come and join with us or meet any of Brahma Kumaris or Brahma Kumars, they will get the real knowledge about the self and the supreme being. Okay. Just like this. Then we will educate them to decorate themselves with a spiritual qualities like peace, happiness, bliss, love, power, knowledge. Wow. Everything. Just so, like this, colorful. Yeah, you are correct. So, wow. Once they get the education, practice themselves, they will get back their real qualities of peace, happiness, bliss, love, power, knowledge, energy. Everything they will gain it. This is how Brahma Kumaris are teaching to the universal brothers and sisters in this world. Okay. So our head office is at Mount Abu, Rajasthan. Yeah. We have got all types of facilities there. People from 147 countries will visit Brahma Kumaris. Oh. They will stay there. Get themselves educated by through the knowledge and yoga practice. You know, the yoga what Brahma Kumaris are teaching, it will give lot of relaxations, peace, happiness, love, power, knowledge, and they know what is what we can achieve back our own requirement. Okay. Yes, it is already there in their soul. Yeah. But they have to emerge and practice it and become a perfect being in this world. Yes. Many special thanks to Mr. Nagendra ji for this wonderful magic show. Now, our next speaker for today's session is from Muscat. Avinash Kumar Mathur is a music teacher at Indian School Muscat. He has been awarded for best teacher by the board of directors of Indian School in Oman and has also received a certificate of appreciation from the Ministry of Higher Education Oman. Requesting Avinash ji to share his great thoughts with us as well to present his melodious song performance. ओम शांति. विश्व परिवार से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को अविनाश कुमार माथुर का प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, मैं ओमान के मस्कट में राजयोगा सेंटर मस्कट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ. दोस्तों, आज हम सब इस बात पर विचार और चर्चा कर रहे हैं कि कलाकारों को कैसे चुनौतियों को अवसर में बदलना चाहिए और वो इसको कैसे बदल सकते हैं. दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में सारा संसार ही एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वक्त से दौर से गुजर रहा है. इस अत्यंत कठिनाइयों से भरे हुए समय में हमने बहुत कुछ खो दिया है. कई परिवारों ने अपने प्यारों को दुलारों को खो दिया है और असंख्य लोग इस दुनिया में मारे गए हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं. असंख्य लोग बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए और अपने जीवन यापन के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. दोस्तों, ऐसे कठिन समय में हम सभी को बहुत ही साहस और संयम से काम लेना चाहिए. हम सब ने मिलकर इस बुरे वक्त का सामना किया है बड़ी हिम्मत के साथ और हम कर भी रहे हैं. ऐसे समय में दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें ऊपर वाले पर, सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए.
दोस्तों, ऐसे समय में हमें मेडिटेशन करना चाहिए, योगा अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है, हमें आत्मिक बल मिलता है, शारीरिक बल मिलता है, और इस प्रकार से हम इस चुनौतीपूर्ण वक्त का डटकर मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे समय में जब हम सब घर पर ही रहकर काम करते हैं और बाहरी दुनिया से हम सभी को एक दूसरे को बचाना है, ऐसे समय में आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं व अपने आप को कला और संस्कृति से जोड़े रख सकते हैं। दोस्तों, इससे हमें बहुत ही शक्ति मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी कलाकार हैं, और अगर आप एक कलाकार हैं तो इस चुनौतीपूर्ण वक्त को अवसर में कैसे बदल सकते हैं? आप लोगों में नया विश्वास भर सकते हैं, ताकत भर सकते हैं, अपनी कला के द्वारा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कठिन समय में आप अपनी कला के माध्यम से सरकार की मदद कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं, अपने लेखों के द्वारा, अगर आप राइटर हैं तो अपने गीतों के द्वारा, अगर आप संगीतकार हैं तो आप इन सभी कलाओं के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। कलाकार और कला का दोस्तों बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है, और जब भी इस संसार पर कठिनाइयां आई हैं, मुश्किल आई है, मुसीबत आई है, तो कलाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है समय समय पर। दोस्तों, हम सभी को इस संकट का मुकाबला करना है, मिलकर करना है, और उस पर विजय भी प्राप्त करनी है। दोस्तों, कलाकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान समय समय पर दिया है, और हम सब हर संकट का सामना करते हुए हमने हमेशा उन पर विजय प्राप्त की है। ऐसे में हमने देखा है कि घर घर एक बार फिर से खुशियां लौटी हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस लौटी है, खुशियों के रंग एक बार फिर से घर आंगन में दोबारा से सजे हैं, और हम सभी एक ताकतवर परिवार बनकर उभरे हैं। तो एक कलाकार होने के नाते दोस्तों, मैं दुनिया भर के कलाकारों से यही विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को मिलकर इस चुनौतीपूर्ण वक्त का सामना करना चाहिए, और इसे अवसर में बदल कर अपनी अपनी कला के माध्यम से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमें एक महत्वपूर्ण योगदान देना है, और हमें इस दुनिया को इस संकट से उबारना है। मैं आशा करता हूं कि हम जल्द ही इस कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी से बाहर निकल पाएंगे, और हम इसका डटकर सामना करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही कठिन समय को समर्पित मेरा एक गीत मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है कोरोना से जंग। दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस कोरोना से बाहर जरूर आएंगे, और हम डटकर इसका सामना करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरा गीत कोरोना से जंग। खुशियों के वो रंग
hearty thanks to Mr. Avinash ji for this wonderful motivational song. Now, to convey her best wishes, Sister Preeti Seth is joining us. Preeti Seth has been working as a creative head for Sartaaj Films, Gurugram, India. She has 7 years of experience, having a strong track record of successfully delivering best video ad films for reputed brands like HCL, Mothercare, Audi, DLF, and many more. Inviting Sister Preeti to express her views on today's subject. We all face challenges in our everyday life. Challenges in the family, relationships, professional career, health issues, or the financial crisis. And everyone gets their share of challenges in life. No one has a perfect life. Then how do some people do exceptionally well and some people spend their whole life just trying to make both ends meet? Do you accept those challenges that come your way? Or you let the fear that comes with the challenges to take over your mind and heart? And this is where the answer lies. Fear. Fear is destructive. Apart from the fact that fear has adverse effects on your health, fear can actually control your life and will eventually let you make wrong decisions. So, when you face a challenge in life, the very first few minutes, those 15 minutes, I feel are very important. Try to distract yourself from the worry. Take a deep breath. Have a tea or coffee or just walk around. Breathe easier. And what I personally do is, I imagine the worst thing that can happen and what will I do in that situation? And my fear runs away. There is no fear that can't be conquered. And when there is no fear, you see the endless possibilities. And there, that challenge becomes the opportunity. An opportunity to do things differently, an opportunity to shine. An opportunity to succeed in a way no one has ever succeeded. And someone has rightly said, the bigger the challenges, the bigger are your opportunities of growth, the bigger the success. This change of attitude, change of vision and behavior is encouraged by Brahm Kumaris. They encourage people for deeper understanding of their purpose in life. You experience peace and inner happiness. Thank you very much, Sister Preeti. Now, it's great pleasure that prominent and famous Odia film actor Akash Dashnayak is joining us from Cuttack with his special greetings. Akash Dashnayak is also a politician and youth leader and also has been MLA for Korai constituency. He has done more than 30 action-oriented movies and has been awarded with Best Actor Award from Government of Orissa and has also won various prestigious awards from Film Fraternity and various organizations for his achievements. He is currently the chairperson of MO College, Government of Orissa. He is the chief advisor of UDRA Charitable Trust, working for specially abled children and orphanages. Now, let's listen to great thoughts of respected Akash ji. Om Shanti, Namaskar. Main Akash Dashnayak, an artist from Odisha. अभी मुझे वर्चुअली देखते हुए सारी भाइयों बहनों को मेरी तरफ से
प्रणाम। आज का जो इस टॉपिक है कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिस्ट, कोरोना पीरियड में हमने बहुत कुछ देखा। मेरा मानना यह है कि चैलेंजेस सबके लाइफ में आती रहती है, लेकिन इस कोरोना टाइम में हमने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा। खास करके वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस जो हुआ है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हुआ है। जो लोग भी आर्टिस्ट है या फिर टेक्नीशियंस है, हम बोल सकते हैं कि वो पूरा एकदम बेरोजगार हो गए हैं। एंड मैं ये बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा हिट अगर कहां पे किया है कोरोना ने, एक तो बहुत लोगों का जीवन गया है, बहुत लोगों का जीविका भी गया है। एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, शूटिंग के लिए जाना पड़ता है। कोरोना काल में वो नहीं हो पाया। ये फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर सीरियल इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट या फिर जो टेक्नीशियंस काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, उन लोगों ने सफ़र किया है। मगर मेरा ये भी मानना है कि आर्टिस्ट बनना एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद चाहिए किसी को। कलाकार अगर कोई होता है तो ज़रूर उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद चाहिए। और आई फील प्राउड दैट आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए क्रिएटर। और मैं विश्वास करता हूं कि पोस्ट कोरोना जब सब कुछ सही होगा, फिर ये इंडस्ट्री पहले की तरह काम करेगा। और इस टाइम में अपॉर्चुनिटी के तौर से मैं बोलना चाहता हूं कि आर्टिस्ट जो है वो सबको ऑब्जर्व करता है और सबका जो इमोशंस है वो खुद के अंदर लाता है और उसे फिर स्क्रीन के ऊपर, वो फिल्म का स्क्रीन हो या फिर टीवी का स्क्रीन हो या फिर वो मंच कलाकार हो, उसे वो पेश करता है। इस कोरोना टाइम में जो कि हमें एक घर के अंदर, हम एक टाइप प्रिजन के अंदर रहने का तरह हम सब रहना पड़ा हमें, तो बहुत कुछ सोचने के लिए टाइम मिला एक आर्टिस्ट को। खुद को परखने के लिए टाइम मिला, खुद को और पॉलिश करने के लिए टाइम मिला। तो आई थिंक इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी आर्टिस्ट कि वो खुद के कला के बारे में और ज़्यादा सोचे और उसे निखारने के लिए वो तैयार हो। और दिस इज ए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। टाइम ही सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इस कोरोना काल में सबको मिला। तो माई आई होप कि कोरोना, पोस्ट कोरोना एक ऐसा टाइम आएगा जो कि जो भी आर्टिस्ट आएंगे और थोड़ा ज़्यादा पॉलिश होके आएंगे और जोश के साथ, नए इमोशन के साथ, तो फिर कुछ नया पेश करेंगे। एंड आई होप कि इस सारी तरफ जो नेगेटिव का एक वातावरण है, उस वातावरण में हम जो आर्टिस्ट लोग हैं वो एक पॉजिटिव ऊर्जा सबके लिए दें और एक पॉजिटिव मैसेज भी सबके लिए दें। एंड मैं आप सबका अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। थैंक्स ब्रदर आकाश जी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटिफुल थॉट्स एंड बेस्ट फीलिंग्स। नाउ वी हैव ए स्किल्ड योगा टीचर एकता दांग एंड कशिश समतानी विद अस। सिस्टर एकता led a helping hand during COVID times by sending yoga videos daily to 25 schools. She has done volunteer service for 2 years for special children of slum areas. And Sister Kashish Samtani is a Dubai-based web designer and fashion designer. Currently, she is for video editing and video making for social media. Requesting dear sisters Ekta and Kashish to share their great and soothing experiences.
चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्ट। चुनौतियां ही हर कलाकार के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ये वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर हर आर्टिस्ट को ग्रैंड सक्सेस मिल सकती है। सिर्फ जरूरत होती है हर कलाकार को अपने जज्बे और जुनून को बनाए रखने की और अपने हौसलों को बुलंद रखने की और हमेशा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहने की। एक आर्टिस्ट की सक्सेस के पीछे का मेजर फैक्टर होता है आर्ट वर्ल्ड में उसका डेडिकेशन। वो किस तरह से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, अपने आर्ट की ग्रोथ पर फोकस करता है, पैशनेट बनकर अपना मास्टर वर्क करता है और डीप नॉलेज गेन करके अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनने के एफर्ट्स हमेशा जारी रखता है। एक आर्टिस्ट फेलियर तब होता है जब वो अपने ही टैलेंट पर अपना भरोसा, अपना ट्रस्ट खो बैठता है या अपने ही हुनर को परखने की शक्ति किसी और के हाथों में दे देता है। सपोज कीजिए कि एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग में बहुत माहिर है और अपना वो आर्ट वर्ड लेके उसी फील्ड के किसी सीनियर एक्सपर्ट के पास जाकर उन्हें दिखाकर ये पूछता है कि क्या मैं इस फील्ड में ग्रो कर सकता हूं, मुझे इस फील्ड में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मतलब उनकी हां या ना पर डिपेंड हो जाना मींस अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को किसी और के हाथों में दे देना। और मान लीजिए अगर वो सीनियर एक्सपर्ट ना बोल दे तो हर आर्टिस्ट अपनी आर्ट जर्नी को वहीं रोक देता है। यह बहुत गलत बात है और ऐसा माइंडसेट आज के बहुत से युवाओं का है जिसकी वजह से वह अपना फेवरेट फील्ड चूज नहीं कर पाते। अगर बात करें हम अपॉर्चुनिटीज की, तो जिस तरह से आज डिजिटल वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, हर कलाकार अपनी एबिलिटीज को, क्वालिटीज को, स्किल्स को सोशल मीडिया के थ्रू डिस्प्ले कर सकता है, जहां मार्केट कंपनीज नोटिस करती हैं और उन्हें हायर करती हैं और जिससे उनके एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो फील्ड के एक्सपर्ट को ही हायर करना पसंद करती हैं। और एक्सपर्ट बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हर कलाकार पैशनेट होकर अपना आर्ट वर्क करे और डीप नॉलेज गेन करे। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाएं, लर्निंग पावर को हमेशा बनाए रखें और नॉलेज को गेन करने के लिए डीप डाइव करें। इसी तरह से एक मोटिवेशनल पोयम मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वजूद खुद का बनाने को मुश्किलें हंस कर पार कर, वजूद खुद का बनाने को मुश्किलें हंस कर पार कर, झोंक दे अपनी ताकत फतेह तू हर बार कर। कलाकार है तू दुनिया को बदल सकता है, कलाकार है तू दुनिया को बदल सकता है, अपनी कला और जुनून पर खुदा सा एतबार कर। लक्ष्य को धुन बनाकर गुनगुनाना, राह में देख कांटे को पग पीछे ना हटाना, जिंदगी की सफलता का नया सफा लिखना है, याद रख तूने इतिहास का एक नया पन्ना लिखना है। हस्ती इस दुनिया में किसी की टिकती नहीं, हस्ती इस दुनिया में किसी की टिकती नहीं, मौत है सच्चाई सबको ही मिलती है, पर तू मिटकर भी अमरता पा जाएगा, क्योंकि यह सच है कि एक कलाकार की कला को दुनिया हमेशा याद रखती है, एक कलाकार की कला को दुनिया हमेशा याद रखती है। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओम शांति। Namaste, Om Shanti, and greetings of peace. Firstly, I would like to express my gratitude towards the Art and Culture Wing of the Brahma Kumaris for giving us this opportunity to gathering today on this online platform. And I would say special thank you to some of the brothers and sisters, especially Gwaikat Bhai, for giving us this opportunity and putting in so much of hard work for this program to be materialized online. So thank you. And I have been associated with the Brahma Kumaris long years back.
Ever since then, I have been practicing Raj Yoga meditation. Raj Yoga meditation has benefited a lot because Raj Yoga meditation focuses more on the mind. The mind is the one, is the nucleus from where all the intentions, all the thoughts, and it's a part of the consciousness from where our actions actually materialize. So things come into the mind first, then it goes into the consciousness, subconscious mind, then it comes into action, then karma, and it becomes our destiny. So mind, as you call it, the meditation of the mind. So mind in Hindi is called man. Man se manushya ki yatra, this is how I call it. But kis tarha ka manushya, what kind of a human being? A human being that is more supernatural, it's more giving, is more full of virtues and wisdom. And this wisdom is attained by the power of Raj Yoga meditation. This wisdom, when it's applied, we get the power to apply these virtues into our life, into our action. And then a person can become a giver, a person who is close and is becoming like a higher being called Devta. So Raj Yoga meditation has also taught me that there is something called the inner world. The inner world is something that we introspect. It's also like an ocean. What I call it, it has four or five types of wave of good vibrations, good feelings, good thoughts, good words. And this, all these waves cause droplets to splash on the sphere of this environment, of this universe. And this in turn forms a sphere around the universe. And this sphere comes back to us as in form of our karma. And so it is very important to have every positive thought, every positive feeling, and every positive vibration, because you are creating your destiny at every moment. Raj Yoga meditation also given me clarity about decision making, and it helps you in many other aspects such as behavioral and your ideology, and you get the right direction to move on in a better direction. It also gives you a kind of an intellect, which is an intellect which is not seen by the eyes, physical eyes, like it's incognito. So you can only see it by the third eye of wisdom. And now you see things in a different light. So you don't see things in a very ordinary light. You see things in a more extraordinary light. And also on top of this universe, there is something called a kalpa tree. We all are sitting under a kalpa tree. But when we are in that consciousness that we are sitting under the kalpa tree, we can manifest anything like the book Secret. It is a law of manifestation plus the law of karma combined, and even higher, because we are sitting under the kalpa tree where the seed is the creator. And we are all the creation, the expansion. And this universe, if you can see, it is round. The globe, the earth is round. And why is it round? Because we are going into a cycle of birth and death. And this cycle moves as Satyug, Treta, Dwapar, Kalyug, Sangam Yug, and now it's time to go home. As you can see, things around, every signs around us tells us it's almost time to go home. So in this time, we remember our Creator with a lot of love. Everything around, it seems very uncertain. Things around seem very uncertain. Circumstances seem very uncertain. And also for us artists, as you can see, things seem that we are not able to present ourselves like on a very live platform the way we would like to. But you know, things have turned out. For example, for me, it was my first time recording something like this and presenting myself. And I'm more comfortable on a platform which is more live. But I have overcome this because now I have formed my own studio at home. I got my green screen, I got lights, I got all kinds of studio
equipment, and I made a little studio and I made some more. And so this has let me overcome in a way that I will be making more and more videos since I have made a more little studio at home. And also in these times of COVID, we can also see a lot of havoc around. We can also see a lot of disease and death all around us. It's like death is standing right in front of us. So at that time, our hearts, our mind, and everything around us is looking for an altruistic support, an altruistic form of answer. And that answer can only arrive from our Creator. So our hearts and our mind and every remembrances go out to our Jyoti Bindu Paramatma, our Creator, Shiv Baba. So I'll say two lines for our Creator. Shiv Baba, Shiv Baba, Vah Jyoti Bindu Swarup Paramatma, Avtarit Hue, Brahma Tanme, Abu Parvat Ki Pavan Bhumi Par, Kalyug Ke Ant Is Sangam Yug Par, हमें सत्युग की ओर ले जाने के लिए, तो आए हम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा की याद में यह कार्यक्रम शुरू करें। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। Special hearty thanks to Ekta ji and Kashish ji. Now, I'm very happy to invite our next guest speaker, Richa Kapoor. She is a Delhi-based model and actor in the Hindi film industry for the last 11 years. She has done print ads, TV commercial, short films, web series, and some Hindi films. Recently done film Good News with Dharma Production and a web series Sacred Games for Netflix. Now I request Richa Kapoor ji to share her valuable experience with us. आज के समय में मानसिक तनाव एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है. आप सभी जानते हैं, किसी भी फील्ड में, हम चाहे किसी भी फील्ड में हों, मानसिक तनाव हर छोटे बड़े हर इंसान को रहता है. मैं ईश्वर से पहले भी मिलती थी, लेकिन उसके साथ मैं जुड़ नहीं पाती थी. याद करती थी ईश्वर को, लेकिन वो जुड़ाव नहीं होता था मेरा. फिर ब्रह्मा कुमारी के आर्ट एंड कल्चर विंग
उनका एक सेमिनार अटेंड करने के लिए मुझे माउंट आबू राजस्थान में जाने का मौका मिला। मैं वहाँ बहुत ही ग्रेट लोगों से मिली। वहाँ मैंने राजयोग मेडिटेशन का, जो बहुत ही सहज और सरल तरीका है, वो सीखा। मेडिटेशन करने के बाद मैंने अपने अंदर बहुत ही एक बदलाव महसूस किया। जो काम मैं पहले बड़ी स्ट्रेस के साथ करती थी, वो धीरे धीरे बहुत ही सहज तरीके से मैंने करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, मेरे पास पहले जो कोई प्रोजेक्ट आते थे तो टेंशन हो जाती थी कि मैं इसको कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या कोई प्रोजेक्ट आता और मेरे हाथ से निकल जाता तब भी मेरे को स्ट्रेस होता। लेकिन मेडिटेशन का जो मैंने मेडिटेशन को जो अपनाया, जो सुप्रीम पावर के साथ मेरा जुड़ाव हुआ, उसने मेरे को बहुत ही सहज तरीके से हर परिस्थिति से निकलने का मौका दिया। मैं ये कह सकती हूँ कि परिस्थितियाँ अच्छी या बुरी हर किसी की लाइफ में आती हैं। मेरी लाइफ में भी आई, बहुत कठिन परिस्थितियों से भी मैं गुजर रही हूँ, आज तक गुजर रही हूँ। लेकिन उस सुप्रीम पावर के साथ जब मैं जुड़ी हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही इजी तरीके से उन परिस्थितियों से मैं अपने आप को उबार लेती हूँ। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, राजयोग मेडिटेशन हर उम्र, हर जाति, हर जेंडर, किसी के लिए भी ये एक आत्मा की खुराक की तरह है। जैसे हम शरीर के लिए हमारे को भोजन की जरूरत होती है, इसी तरह आत्मा का भोजन मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन एक बहुत ही सरल तरीके से मैंने ब्रह्मा कुमारीज के आश्रम में जाके सीखा, जो मुझे बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि एक मेंटल और मन को शांति देने वाला ये लगा मेरे को। मैं हर परिस्थिति में अपने आप को बहुत इजी तरीके से निकाल पाती हूँ। एक कलाकार होने के नाते मैं यही कहूँगी कि आप मेडिटेशन का कोर्स अपने आसपास जो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स हैं वहाँ जाके भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि जब हमारा मन और बुद्धि स्टेबल होती है तभी हम अपने कार्य को बहुत कुशलतापूर्वक कर पाते हैं। ये मैंने एक अनुभव किया और यही अनुभव मैं आप सबसे शेयर भी कर रही हूँ कि हर परिस्थितियां आएंगी लाइफ में, और आज का समय जो चल रहा है, आप सब इस समय से वाकिफ हैं कि बहुत देर ना हो जाए। मुझे लगता है कि मैंने शायद बहुत देर से इस चीज को अपनाया, मेरे को बहुत जल्दी राजयोग मेडिटेशन सीख लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी समय है। आप चाहें तो राजयोग मेडिटेशन सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही इजी तरीके से चला सकते हैं, बिना स्ट्रेस के, बिना माइंड के, माइंड को अपने कंट्रोल में रख के, माइंड को, मेरा मतलब है माइंड को अपने कंट्रोल में रख के आप इजी तरीके से अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आर्ट एंड कल्चर और अवेकनिक चैनल का कि जिन्होंने मुझे अपने दिल के दो शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच सिस्टर रिचा जी। नाउ इट्स टाइम टू थैंक यू ऑल। वी हार्टली थैंक ऑल अवर एमिनेंट स्पीकर्स ऑफ टुडेज इनॉग्रल सेशन फॉर एनलाइटनिंग अस। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज शाम 5:30 बजे फिर मिलेंगे ई कॉन्फ्रेंस के सेकेंड सेशन में। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सिस्टर बी के शिवानी विथ अस एंड गेट मिसमराइज्ड इन द इवनिंग सेशन। थैंक यू। ओम शांति। जब हर दिशा नजर आए अंधकार, जब आशाएं हो जाएं तार तार, जब जिंदगी ढूंढ रही हो आधार, तब चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार। ब्रह्मा कुमारीज आर्ट एंड कल्चरल विंग लाए हैं 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस
चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार। चुनौतियों को सुअवसर में बदलता कलाकार 14 अगस्त सुबह 10 से 12 बजे और शाम 5:30 से 7:30 बजे और 15 अगस्त सुबह 11 से 1 बजे अवेकनिंग टीवी चैनल पर टाटा स्काई 1084, जियो टीवी 1060 और ब्रह्मा कुमारीज यूट्यूब चैनल पर। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहो। मास्टर सर्वशक्ति